रिटायर्ड ले कर्नल की एसआईटी के द्वारा उत्पीड़न करने संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि एसआईटी किस आधार पर उनका उत्पीड़न कर रही है और किस नियमों व किसके इशारों पर उनको बार बार समन भेज रही है। सरकार इस पर 11 दिसंबर को स्थिति स्पष्ट करेगी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 दिसंबर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाड़ी की खंडपीठ में हुई है। ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल वसुदेव कुप्रेती। इनकी प्रॉपर्टी को कुछ लोगों ने खुर्दबुर्द किया, उसके बाद एक झूठी कंप्लेंट एसआईटी में दी। एसआईटी के ऑफिसर्स ने बुला के इनको हैरेस किया, प्रेशराइज किया कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए। तो उस चीज़ को लेके हमने एसआईटी जो है लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि विदाउट एन अथॉरिटी ऑफ लॉ एसआईटी लैंड ऑपरेट कर रही है स्टेट में। हमने उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को रेज किया कोर्ट के सामने और प्रोटेक्शन की मांग की कोर्ट से, जिस पर डिवीजन बेंच ने सरकार से इंस्ट्रक्शंस मंगाए कि अंडर विच अथॉरिटी ऑफ लॉ एसआईटी ये काम कर रही है, और प्रोटेक्शन के लिए इनसे इंस्ट्रक्शंस मंगाई।